जीत जीत के बच्चे रो रहे हैं। अब बताइए क्या इसका न्याय नहीं मिलेगा? कानून भी इसका न्याय देगी, देखते जाइए। नो बड़ी लॉ। कान का ऑपरेशन कराना पड़ा महंगा। पटना में कान का इलाज कराने गए युवती को कटवाना पड़ा हाथ। अस्पताल की एक लापरवाही से जिंदगी बनी बोझ। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। बिहार की राजधानी पटना के एक बड़े अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। शिवहर की एक युवती ने आरोप लगाया है कि वो अपने कान का इलाज कराने पटना के इस नामी अस्पताल में गई थी, लेकिन ये उसकी जिंदगी के लिए सबसे गलत कदम साबित हुआ। कान के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में नर्स व डॉक्टरों ने ऐसी लापरवाही को अंजाम दिया कि युवती को अपना हाथ कटवाना पड़ गया। शिवहर की रहने वाली रेखा अपनी पीड़ा को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। उनके समर्थन में भी सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। रेखा का आरोप है कि उन्हें कान में दर्द की शिकायत थी और इसके इलाज के लिए पटना के एक बहुचर्चित अस्पताल में वो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी और रेखा की सहमति के बाद सर्जरी कर दी गई, लेकिन अस्पताल कर्मियों की लापरवाही ने रेखा की जिंदगी ही तबाह कर दी। रेखा का आरोप है कि कान के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में नर्स ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया। रेखा की बहन बताती है कि नर्स ने सुई गलत तरीके से लगा दी, बांह को बांध कर वो सुई दी गई। वहीं कुछ ही मिनट के बाद रेखा को असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। रेखा की बहन बताती है कि उन्होंने डॉक्टर व नर्सों को कई बार जाकर यह शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया, जिसके बाद रेखा का बायां हाथ पूरा नीला पड़ गया। कुछ समय बाद हाथ का रंग काला पड़ गया और असहनीय दर्द होने लगा। हाथ पूरी तरह सूज गया, जिसके बाद वो IGIMS अस्पताल गए। वहाँ डॉक्टरों ने मजबूरी जताते हुए कहा कि हाथ काटना पड़ेगा। रेखा की बहन बताती है कि वो अंत में एक और नामचीन अस्पताल गई, जहाँ डॉक्टरों ने तमाम कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें हाथ काटना ही पड़ा। रेखा की शादी तय होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब उसे लड़के वाले अपनाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में आखिर रेखा की क्या गलती थी? आखिर रेखा को हाथ क्यों गंवाना पड़ा? और अब रेखा की जिंदगी में वो चैन वो सुकून कैसे वापस आएगा? क्या इसकी जवाबदेही उन डॉक्टरों की होती है या फिर नहीं? क्या ऐसे निर्मम डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं? इस विषय पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो हॉस्पिटल में बैठकर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।